और रायवाला की शराब के ठेके का विरोध स्थानीय लोग क्यों कर रहे हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मयंक राय ने। उत्तराखंड में शराब के ठेके बंद करने को लेकर पूरे राज्य में तमाम स्थानों पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं रायवाला में। आपको बता दें कि रायवाला का ठेका ऐसा ठेका है जो राजस्व के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा ठेका माना जाता है। यहाँ करीब 1 करोड़ रुपए महीने की आय होती है, सरकार को राजस्व की प्राप्त होती है। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू हुआ है उसके बाद से 500 मीटर अंदर दुकान जानी थी, लेकिन जो नया ठेका खुलना है यहाँ पे देसी और अंग्रेजी की जो दुकानें हैं वो ऐसी जगह पे खुल रही है जिसको लेके लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा है। इसके हम आपको दिखाना चाहेंगे इसके पीछे वजह क्या है। लोग शराबबंदी को लेके तो विरोध कर रहे हैं लेकिन उसके कुछ और भी कारण हैं जिससे लोगों का जो विरोध है वो तेज होता जा रहा है। जहाँ पे शराब का ठेका खुलना है यहाँ से तकरीबन 40 मीटर की दूरी पर रेलवे ट्रैक है, देहरादून से हरिद्वार को जाने वाली यह रेलवे ट्रैक है और उसके बाद ये अन्य राज्यों को जाती है। इसके साथ ही इसके आस पास का इलाका है यहाँ घनी आबादी है, लेकिन आबादी के जस्ट बाद आप देखेंगे तो जंगल दिखाई देगा। ये फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है जहां पे सबसे बड़ा खतरा लोगों के सामने यहां पे हाथी और लेपर्ड का रहता है। कई हमले हो चुके हैं तो लोगों की यहां पे पूरी तरह से मांग है कि इस ठेके को किसी भी हाल में यहां न खुलने दिया। साथ मौजूद है कुछ लोग, उनसे बात करेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारे ये पट्टे जो हैं 94-96 के पट्टे हैं, बाढ़ग्रस्त लोगों को टीरी वालों को दिए गए थे, वहाँ भी हम पीड़ित थे, यहाँ भी हम 20 साल से पीड़ित हो रहे हैं। 20 साल से यहाँ ठेका खुला गया, पहले भी हमने मतलब 3 महीने तक बराबर धरना रखा लेकिन भूमाफियों ने जबरदस्ती मतलब जो है कब्जा करके एक बिल्डिंग पर रात को माल उतार दिया था। लेकिन अब वो वहाँ तो थोड़ा बहुत हमें बर्दाश्त भी हो रहा था लेकिन ये अब हमारे सिर पर ही आ गया। मात्र हमारी मतलब 50 मीटर की दूरी पर ठेका खुल गया है। ये ठेका खुल जाएगा तो हम बहुत परेशान हैं, हम मर जाएंगे, हम जीना हम मर जाएंगे। यहाँ पे पास में घर हैं, किसी की लड़की है, किसी की बहू है, वो नौकरी पे जाने वाली हैं, जो लेडीज हैं वो भी नौकरी पे जाने वाली हैं तो अपने बच्चों को छोड़ के अकेले जाती हैं। बहुत ही बुरा हाल है। और पहले तो भाई साहब ठेका अलग अलग था, इंग्लिश का अलग था, देसी का अलग था, अभी वो दोनों इसी में लाना चाहते हैं। पहले तो क्राउड बहुत ज़्यादा था एक ठेका का, अभी वो दोनों कर देंगे इसका क्राउड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये छोटी सी बस्ती है इसमें तो पूरा उनका शराब माफिया है, उनका रास्ता ही यहीं से बन जाएगा गांव के बीच से। इस चक्कर से हम बहुत परेशान हैं। ये जो कमरा है उसके सामने सारे लोग इकट्ठे हैं और आज से इकट्ठे नहीं है, ये पिछले 2 दिन से यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं और इनकी मांग यही है किसी भी हाल में इस ठेके को बंद किया जाए, यहाँ खोला ना जाए और रायवाला को एक नई पहचान दी जाए। रायवाला शराब के ठेके की वजह से ना जाना जाए, यहाँ के स्थानीय लोगों की वजह से जाना जाए। कैमरामैन संदीप बड़ोला के साथ में मयंक राय, इंडिया 24/7 देहरादून। और उधर ऋषिकेश से लगे रानी पोखरी में महिलाओं ने शराब के ठेके के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और उनकी मांग है कि शराब के ठेके को बस्ती और गांव से दूर किया जाए। आपको बता दें कि रायवाला और रानी पोखरी क्षेत्र में महिलाएं पिछले 5 दिनों से शराब के ठेके के विरोध में धरने पर बैठी हैं। शराब की दुकानों को हाईवे से हटाने के आदेश के बाद शराब की दुकानें गाँव और बस्ती में खुल रही हैं। धरना है शराब के ठेके के विरोध में। महिलाएं चाहती हैं कि शराब का ठेका गांव की बस्ती से हटके अलग कहीं बने, मतलब आबादी क्षेत्र में ना बने। और इतने साल से 5-6 दिन हो गए आज बैठे बैठे, ना कोई सत्ता का आदमी आया, कोई हमारी सुध नहीं ले रहा, भूखे पैसे बैठे हुए पूरे दिन अपने बाल बच्चे छोड़ के। आज भी हमारी मांग ये है कि हमारी गांव की जो आबादी है उससे दूर कहीं अगर शासन इस ठेके को कैंसिल करने, पहले तो हमारी मांग है कि इसे निरस्त किया जाए, अगर नहीं कर सकता राजस्व की कमी के कारण नहीं कर सकता तो इसे आबादी से दूर कहीं रखें।